प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे से पहले वाशिंगटन में भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल की हुई 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग, बोले अमेरिकी सेनेटर, भारत अमेरिका संबंधों पर हुई चर्चा। अठारह जून को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी। पुरी में बिपरजॉय से न घबराने और एहतियात बरतने का संदेश देने का अनोखा सा तरीका। सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से कला बनाकर दिया देश के नाम संदेश। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का जन्मदिन, पंचमुखी हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया गया। गढ़वा में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लोगों को टीबी और उसके इलाज के प्रति जागरूक किया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, एलजी मनोज सिन्हा ने लिया बेस कैंप का जायजा। हिमाचल के सोलन में बाबा खाटू श्याम की निकाली गई भव्य निशाना यात्रा, भगवान की वेशभूषा में नृत्य करते दिखे कलाकार, पुष्प और इत्र की वर्षा की गई। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा शुरू, देश दुनिया से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। सीएम नवीन पटनायक ने की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के तैयारियों की समीक्षा, पुरी में 20 जून से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कन्नूर के अनाज का अनोखा टैलेंट, स्याही में डूबी गेंद से बनाई विराट कोहली की शानदार तस्वीर, लूटी बड़ी हस्तियों से तारीफ। बाड़मेर में अनोखी बारात को देखकर हैरान हुए लोग, 51 ट्रैक्टरों पर दुल्हन को लेकर पहुंचा दूल्हा। यूपी परिवहन विभाग के लोगों के लिए गुड न्यूज आई है, 7 दिन में घर पर पहुंचेगा लाइसेंस। कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की रिहाई और एमएसपी की मांग माने जाने पर खुशी का माहौल, लंगर लगाकर मनाया गया जश्न। स्वास्थ्य विभाग को सीएम रेड्डी ने दिए कई निर्देश, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने पर फैसला। मदुरई में दूध और डेयरी विकास मंत्री मानव थंगाराज ने किया आइसक्रीम फैक्ट्री का दौरा, मिल्क प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता का लिया जायजा। अलीगढ़ पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का किया बखान। 6 साल की उम्र में शतरंज में बादशाहत, प्रयागराज की अनुप्रिया यादव ने वर्ल्ड रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान। जैसलमेर में बीएसएफ का दिखा पशु पक्षी प्रेम, चिलचिलाती गर्मी में जानवरों और पक्षियों के खाने पीने का किया इंतजाम। कोटद्वार में बढ़ती गर्मी में युवक ने किया कमाल, ट्यूबवेल लगवाकर गांव के सूखे तालाब में भर दिया पानी। तिरुवनंतपुरम में केरल ओलंपिक एसोसिएशन हर साल 10 लाख बच्चों को देगा खेलों की ट्रेनिंग, देश में खेल को बढ़ावा देना है मकसद। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया, सीएम ने सभा को एड्रेस किया। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम में 7 हाथियों का झुंड पानी के लिए गांव में घुसा, हाथियों ने बाल्टियों में रखे पानी को पीकर बुझाई अपनी प्यास। बेटे करण देओल की रोका सेरेमनी में दिखा पिता सनी देओल का अलबेला सा अंदाज, मोरनी बनकर गाने पर थिरकते नजर आए सनी। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में इस बार रोहित शेट्टी देंगे एंटरटेनमेंट का डबल डोज, रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी 13 सेट से एक वीडियो शेयर किया है। अभिषेक बच्चन नोरा फतेही का एक डांस वीडियो फैंस को पसंद आ रहा है, इस वीडियो में अभिषेक और नोरा हिट सॉन्ग कजरारे पर डांस करते हुए देखे जा सकते हैं।